पता तो नहीं था एनवायरमेंट चलेगा, नहीं ना? ठीक है, कुछ वर्ड्स में पहले बेसिक डिफरेंस बताइए। एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, क्लाइमेटोलॉजी और इकोलॉजी, नोट करिए चारों वर्ड्स। यू आर सीरियस अबाउट इट? चार वर्ड्स जो है एनवायरमेंट स्टार्ट करने के पहले, चार वर्ड जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, इकोलॉजी, ठीक है? और ऐड करिए बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फेयर, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फेयर बाकी तो इसके एडिशनल है, जैसे मेगा बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट्स, ठीक है? ये सारे वर्ड्स आते हैं जो चलता है, ठीक है? अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप एनवायरमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो, या फिर इसको कंप्लीट करने के बाद, इन सभी में क्लियर डिफरेंसेस मालूम होने चाहिए। देखो तो बेसिक डिफरेंस तो आपने जो जो ज्योग्राफी पढ़ी है उससे आपको क्लियर होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल कि भाई एनवायरमेंट में और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, एनवायरमेंट में क्या डिफरेंस है एनवायरमेंट और क्लाइमेट में? क्लाइमेट में सर जो एक समय का डिफरेंस पड़ता है, जब वो 30 से 35 साल के बाद क्लाइमेट चेंज होती है, और एनवायरमेंट में हमारी प्लांटेशन हो गया, कोई लाइफ अगेंस्ट करती है। हाँ, और देखिए क्लाइमेट तो एक तरीके का एग्रीगेट होता है, जैसे एक स्पेसिफिक टाइप का एटमॉस्फेयर या फिर वेदर जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक वेदर कंडीशन हो, या फिर ये कह लीजिए कि एक एनवायरमेंट का कंडीशन लंबे समय तक अगर एग्जिस्ट करता है किसी जगह पे, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो वहां का क्या है, क्लाइमेट है। हाँ, लेकिन अब ये इस क्लाइमेट वाले पार्ट में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं काउंट करते, इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं आता। लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका एनवायरमेंट से इंटरेक्शन, ठीक है, किस तरीके से आपस में रिलेट करते हैं, एक दूसरे को सस्टेन करते हैं, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस में हेल्प करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम है ये, ठीक है? ये एक छोटे से एस्पेक्ट में भी हो सकता है, एक बड़े से एनवायरमेंट में भी हो सकता है, ठीक है? अलग अलग तरीके का जो एनवायरमेंट है उसमें भी अपना अपना इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है? तो इन्हीं सभी चीजों को जो है पूरे एनवायरमेंट में हमें पढ़ना है। रेलेवेंस क्या है, आए दिन आपको मालूम है, अब डे बाय डे जैसे मतलब साइंस प्रोग्रेस कर रही है, स्पेस को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक? स्पेस को एक्सप्लोर करने पे एक चीज तो हमें अभी तक मतलब ये चीज हम कंक्लूड कर पाए हैं कि अगर इतना ब्यूटीफुल लाइफ एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे है, ठीक? 30-50 सालों में जितना भी हमने एक्सप्लोर किया है, वो अगर है लाइफ तो वो सिर्फ अर्थ पे है। आउटर स्पेस में या दूसरे प्लैनेट्स पे जो हम बात करते हैं लाइफ का, वो क्या है, हम बात करते हैं लाइफ है, अगर कोई कहीं स्टेटमेंट आता है कि किसी प्लैनेट पे या किसी उस पे कोई एविडेंस मिला है लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे डायनासोर या फिर इंसान ही पैदा हो जाएंगे सीधे, वो नहीं, कुछ भी नहीं, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इंडिकेट करेगा कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, जिसको आप नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते, ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। उस लाइफ से हमें क्या करना, उस लाइफ को, उस फॉर्म को हमारे लेवल तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे, क्या ह्यूमंस एग्जिस्ट कर पाएंगे उतने तक,
उस वो तो तभी कर पाएंगे जब हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर इसका एनवायरमेंट हाँ मेंटेन रहेगा। जितना पैसा स्पेस के ऊपर खर्च किया जाता है स्पेस को एक्सप्लोर करने पे, ठीक है नॉलेज अपनी जगह पे है, चीजें अपनी जगह पे है, बट उसका आधा पैसा भी अर्थ को वापस से उसके फॉर्म को रिगेन करने में लगा दिया जाए तो कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल मतलब अर्थ बन जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद बोलते हैं ह्यूमंस आर द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड। ठीक है, मतलब जो चीज अभी है उसको सेव करने के बजाय आप अदर चीजों पे एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लोरेशन अपनी जगह पे ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च अपनी जगह पे है, उसकी अपनी लिमिट है, अपने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है। उन सारी चीजों ने हमें ये जरूर बताया है कि अर्थ के जैसा एनवायरमेंट कहीं नहीं है, तो जब अब हमें मालूम चल गया है तो इसी पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। ठीक, तो ये चीज है। अब कौन किस तरीके से रिलेटेड है, कितना कौन हेल्प करता है, कैसे एग्जिस्ट करती है चीजें, इन्हीं रिलेशन को हम एनवायरमेंट के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब छोटी छोटी चीजें हैं बिल्कुल एकदम क्लियरली माइंड में आ जाती है, जैसे हम एनवायरमेंट टॉपिक लेते हैं अपने मतलब ज्योग्राफी के लिए, फॉरेस्ट आ जाता है, इकोसिस्टम आ जाता है, फूड चेन आ जाता है, ठीक है, फिर कंजर्वेशन का एस्पेक्ट आ जाता है, पॉल्यूशन का एस्पेक्ट आ जाता है, पॉल्यूशन एनवायरमेंट में भी हो सकता है, सोयल में भी हो सकता है, और लैंड हाँ प्लांट में भी हो, मतलब टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक भी हो सकता है। ठीक, डे बाय डे चीजें बदल रही हैं। ठीक है, 20 साल पहले तक एयर प्यूरिफायर नहीं थे, कुछ समय पहले तक वाटर प्यूरिफायर भी नहीं थे, अब एयर प्यूरिफायर भी आ गया, वाटर प्यूरिफायर भी आ गया है। ठीक है, तो हम टेक्नोलॉजी को हम छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, बल्कि टेक्नोलॉजी से ही हम बाकी चीजें भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मशीन तो नहीं छूटेगा अब हमसे, आदत लग गई है। ठीक है, तो वो चीज है, वो अलग चीज है। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक, तो पहला टॉपिक से स्टार्ट करें, इकोलॉजी। ठीक है, तो क्या है इकोलॉजी, ये देखो, ये एक फिगर जो है ये एक इंडिविजुअल है। ठीक है, पॉपुलेशन है, फिर कम्युनिटी है, देन इकोसिस्टम, बायोम एंड देन बायोस्फीयर। ठीक है, अब ये फिगर अपने आप में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है कि किसकी क्या लिमिटेशन है, कौन कैसे चलता है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो इंडिविजुअल जो है, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर के एक पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं, और कई तरीके का पॉपुलेशन जो है वो एक कम्युनिटी में डेवलप होता है, और कई तरीके के जो कम्युनिटीज होते हैं, ठीक है, वो फिर एक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, अब इकोसिस्टम का एक छोटा सा एग्जांपल आपके घर में भी हो सकता है, अगर आप क्या लेके आते हैं, एक्वेरियम। यस, अगर आप एक्वेरियम लेकर के आते हैं तो आप उसको देख सकते हैं कि इकोसिस्टम है उसमें। ठीक है, लाइफ है, इंटरेक्शन भी चल रहा है उसमें। ठीक है, लाइफ सस्टेन कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, फिर उसके बाद में जब एक पर्टिकुलर टाइप का या इकोसिस्टम जो है एक पर्टिकुलर रीजन में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं बायोम। ठीक, और इस तरीके से कई सारे बायोम मिल करके बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे स्फीयर के नाम पे कई सारे पता है आपको, स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, उसी के तर्ज पे जो है, अच्छा ये सारी चीजें किस चीज का पार्ट है, एटमॉस्फेयर के। फिर उसके बाद जो एग्जिस्ट करता है पानी, उसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। तो जो लाइफ एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायो का मतलब लाइफ, वो स्फीयर जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज है, व्हाई वी नीड टू स्टडी इकोलॉजी, एवरीथिंग दैट अ मैन नीड कम्स फ्रॉम हिज सराउंडिंग एनवायरमेंट। वही मैग्मा से सब निकलना है और मैग्मा में ही सारा कुछ समा जाना है ना, ये चश्मे, ये कपड़े, सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं धरती के मैग्मा से ही निकला है।
ठीक। अब जैसे जैसे इंटरेक्ट करेगा वैसे वैसे फॉर्म्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, अलग अलग फॉर्म में हम यूज करते हैं, ठीक। तो ये चीज है। तो फूड हो गया, फ्यूल हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, एनर्जी हो गई, हर चीज हम अपने एनवायरमेंट से हाँ प्रोक्योर करते हैं। एंड इट इज द सेम फॉर अदर लिविंग बींग्स, हमारे अलावा बाकी का भी यही हाल है, ठीक है। अभी रिसेंट में डॉग्स एंड मंकीज का फाइट हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो बीच बचाव करते हुए महाराष्ट्र पुलिस पहुंची है उसको, ठीक है, दोनों पक्षों को रोका, नहीं लड़ना नहीं है, पूछताछ की जा रही है। 250 हाँ मतलब जो बच्चे हैं उनके, ठीक है, हाँ पपीज बोलते हैं ना, उनका मर्डर का चार्ज लगा है। अभी चार्जशीट शायद दाखिल नहीं करी है, ठीक है। तो इट इज लाइक अ मॉडर्न राइज ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप, तो ये चीज है। तो अदर लिविंग बींग, हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि हम ही ब्रिलियंट है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। हमसे कहीं ज्यादा ब्रेन का परसेंटेज दूसरे ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। बट मैन ओवर द पीरियड ऑफ टू क्वेंच हिज थर्स्ट एक्सप्लॉइटेड नेचर सो मच दैट नाउ द एनवायरमेंट इज नॉट एबल टू रीच इट हर्मेटोसाइज, ठीक है। बहुत बार बताया भी है कि ह्यूमन का, बेसिकली इंसान का जो मन है बहुत ज्यादा बच्चे वाला है, चंचल है, नई चीज देख करके ना बच्चे के जैसा वो हरकत करता है, ठीक है। जैसे पहले कोयला मिला, ओए होए कोयला मिल गया, ये तो जलाने से इसकी एनर्जी मिलती है, खूब यूज किया, आज वो एंड होने के कगार पे है। इतना यूज किया मतलब आधा रिजर्व यूज करने के बाद ह्यूमंस ने रियलाइज किया कि ये तो पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक। यही चीज फिर पेट्रोलियम के साथ हुआ, ठीक है। इसको फिर बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमंस ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक स्टेटमेंट में लगाया है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। अलग अलग मतलब हम जैसे जैसे हमें रियलाइज हो रहा है कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, वैसे वैसे हम उसको एलिमिनेट करते हैं, इनोवेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम पॉल्यूट करें, ठीक है। हाँ फिर दूसरा पॉल्यूशन करने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। बट कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग से लेकर के जब भी कोई नई चीज मिली, चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, ठीक है, उसको हमने खूब और जबरदस्त तरीके से एक्सप्लोइट किया। हम ऐसी कम्युनिटी है जिसने बहुत कम शेयरिंग किया है। बहुत बार आप देखते होंगे कि जंगल अपने आप में काफी क्लीन होता है और शहर जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, कंपैरिजन कई बार दिखाया गया है। तो नेचर को किसी किसी की जरूरत नहीं है कि वो आकर के झाड़ू लगाए, ठीक है। ये तो ह्यूमंस है जिन्होंने डेवलप करते 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 कुछ ऐसा डेवलप कर दिया है, ठीक है, जिसको मतलब वापस से ब्रेक डाउन करने में बहुत टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक स्पेस से तो आया नहीं है, बनाया तो हम ही ने है, लेकिन हम वो उसको उस स्टेज पे ले जा करके बना दिया जिसको डिसइंटीग्रेट होने में बहुत टाइम लगेगा, उसका वो फॉर्म चेंज करने में वापस से बहुत टाइम लगेगा। तो प्रोग्रेस कहां तक करनी चाहिए इसकी भी लिमिट होनी चाहिए, इन माय पर्सनल ओपिनियन कि लिमिट होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी करते जाओ बिल्कुल। इसी जैसे इसको बोलते एथिकल क्वेश्चन आता है, क्लोनिंग है, अब कहां तक क्लोनिंग किस किस स्पीसीज का करोगे, तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। तो हर डेवलपमेंट की एक अपनी लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। तो हमने तो खूब सारा एक्सप्लोइट किया है, जंगल भी काट दिए हमने, ठीक है। जब यूरोपियंस नॉर्थ अमेरिका में पहुंचे तो वो कोस्टल रीजन पे पहुंचते हैं, अमेरिका को डिस्कवर करते हैं, ठीक। उसके बाद में जो उन्होंने फॉरेस्ट को क्लीन करने का मतलब ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन इतना क्लीन किया कि वो क्लीन करते करते ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक पहुंच गए, पूरा एप्लेकियन माउंटेन रेंज जो है वो क्लीन कर दिया, पूरा बेल्ट क्लीन कर दिया। पूरे दुनिया में नॉर्थ अमेरिका वो कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज्यादा तेजी से डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। कारण आज का नहीं है,
बहुत समय से ये प्रोग्रेस, ये चीजें चलती आ रही है और उस स्टेज पे जा चुकी है कि अब आप चाहे कितना ही एफोरेस्टेशन कर लो, वो चीजें बदल के वापस नहीं आएंगी। आज के टाइम में एनवायरमेंट जो है 1970s के बाद पूरे ग्लोब पे, पूरे ग्लोबल कम्युनिटी में एनवायरमेंट को लेकर के एक अलग तरीके का मतलब कॉन्साइसनेस जो है वो जग गया। कहने का मतलब ये है कि लोग अवेयर होने लगे, एनवायरमेंट को लेकर के काफी सतर्क होने लगे। ठीक है, 70s के बाद में लेकर के आप देखेंगे जब एनवायरमेंट के ऊपर ग्लोबली बहुत सारे प्रोटोकॉल और कानून देखेंगे तो 72 से शुरू हो जाता है ये चीजें, डे बाय डे आती रहती। यूनाइटेड स्टेट इतना बड़ा कंट्री होने के बाद अपने आप को मतलब बहुत पावरफुल भी बोलता है भी नो डाउट, बट एनवायरमेंट को लेकर के उसका क्या एफर्ट है? जितने भी ये कॉन्वेंशन हुए हैं किसी को भी रेटिफाई नहीं किया है एक्सेप्ट वन। ठीक है, तो आप अगर लीडर हैं तो आपको पहले रेटिफाई करके दिखाना चाहिए ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें ग्लोबल कम्युनिटी में दिक्कत होती है। आप पिछले 2 सालों में कोविड आया है, 2-3 साल कोविड की वजह से डिस्टर्ब रहा है। ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो उसी तरीके से वर्क कर रही है, इतना सीरियस नहीं हो गए, नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे मीडिया ने भी जो है वो अपना पेपर्स वगैरह जो है वो पब्लिश किए हैं कि ये ठीक नहीं है। अभी क्या बहाना मिल गया है, एनवायरमेंट को नेग्लेक्ट करने का एक बहाना मिल गया है। ठीक है, तो ग्लोबल कम्युनिटी में ये चीजें अकर कर रही हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे हम लोग 70s के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे एक के बाद एक ग्लोबल कम्युनिटी इस एफर्ट में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से लोगों को ये चीज समझ आए कि एनवायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ गलतियां करी हैं। अब इसमें ईगो का क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये सारा जो इशू है जितने भी इश्यूज हैं ये सारे, अब वही चीज है जो उन प्रोसेस से गुजर गया है रियलाइज तो वही करेगा ना, जो ग्रेजुएट कर चुका है उसी को कॉलेज के बारे में आइडिया होगा ना। वो स्कूल वाले तो बताएंगे नहीं क्या होता है कॉलेज में क्या नहीं होता है। अब जो डेवलप हो चुके हैं वही बताएंगे ना कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट क्या कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हुए हैं, फिर वो मना करते हैं कि आप ये मत करो, तो उस पे डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं नहीं आप तो कर चुके हो, अब दो हाँ आप डेवलप हो चुके हैं, हम क्यों नहीं करें। अब क्वेश्चन इसमें किसी का पक्ष लेने वाला नहीं है, क्या इसका पक्ष ले लो उसका पक्ष ले लो, बात दोनों की अपनी अपनी जगह पे सही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ग्लोबल कम्युनिटी में क्या कहता है, वी आर डेवलपिंग कंट्री, वी आर अ पुअर कंट्री, हम पुअर कंट्री हैं, हमें अपने पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, अपने पॉपुलेशन को यहाँ से पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, बहुत सारी एक्टिविटीज को हमें कंटिन्यू रखना है, तो हम कार्बन एमिशन को कट नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरीके से ग्लोबल डिमांड करता है, ग्लोबल कम्युनिटी डिमांड करता है इंडिया को लेके कि आप कार्बन एमिशन इस लेवल पे कम करिए, उस लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमें बंद करनी पड़ेगी। फिर इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं है हमारे यहाँ पे, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, जो क्लीन एनर्जी वाली टेक्नोलॉजी है वो काफी महंगी है, और चूंकि हम बोलते हैं कि वी आर पुअर कंट्री तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट है। फिर उसके बदले में क्या करते हैं हम, ओके ठीक है फिर हम ग्रीन बेल्ट्स का डेवलपमेंट करेंगे, जितना कार्बन हम एमिट करेंगे उतने हम कार्बन सिंक्स के रूप में डेवलप करेंगे। तो हाईवेज के आगे साइड में जो देखते हैं वो एज अ ग्रीन बेल्ट यानी कि कार्बन सिंक के रूप में उसको डेवलप किया जाता है। कार्बन सिंक मतलब प्लांट्स कार्बन को कंज्यूम कर लेते हैं तो वो वहां पे सिंक कर गया, ठीक, ऐसे कार्बन सिंक के रूप में होता है। हाँ, तो वो तो करना ही पड़ेगा, हम डेवलपमेंट के नाम पे एनवायरमेंट को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हिमालयन स्टेट्स, हिमालय में जितने भी स्टेट्स हैं उनका क्या है, आज उनकी स्थिति ऐसी क्यों है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट, यही सारा टॉपिक है आपके एनवायरमेंट में पढ़ने के लिए। ठीक है, बाद में लास्ट में जाकर के एक वर्ड आ जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये चीज है, आओ आगे देखते हैं। और इनमें जितने भी नए नए कीवर्ड्स आएंगे उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कुछ कीवर्ड्स आपको स्टार्टिंग में लिखा है, ठीक है, तो ये चीज है। अब जैसे ये है हेमोस्टेसिस, ठीक है, क्या होता है ये? इज द टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ऑटो रेगुलेट एंड मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरमेंट इन अ स्टेबल स्टेट। ठीक, लाइक आपकी बॉडी जिस तरीके से काम करती है, एडजस्ट करती है एनवायरमेंट को लेकर के। हाँ, देयर इज अ वाइड स्प्रेड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, एक्सटेंशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर एंड साउंड, लॉट्स ऑफ, मतलब इस एक लाइन में बहुत सारी चीजें बात बताई गई है। पॉल्यूशन भी है, एक्सटेंशन का भी प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, अभी कोविड के टाइम पे ही आपने सुना होगा कि जो लास्ट स्पीसीज था अफ्रीका में एक, ठीक है, राइनोसोरस का, वो एक्सटिंक्ट हो गया, वो लास्ट बंदा था, वो खत्म हो गया। ठीक, अगर आप न्यूज में थोड़ा बहुत एक्टिव है तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में एक रेयर मैमल का बहुत सालों के बाद एक पिक निकला है। टर्टल नहीं, मैमल है, गाय के जैसा दिखता है, मतलब हाँ, समथिंग लाइक दैट। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो कुछ चीजें एक्सटिंक्ट भी हो रही है, कुछ चीजें बहुत दिनों के बाद में दिख भी रही है। अंटार्कटिका में पूरा इकोसिस्टम मिला है, तो इकोसिस्टम तो एग्जिस्ट करता ही है, अलग से, मतलब जब तक नहीं मिला। हाँ, बहुत सारे ऐसे धरती के अभी भी ऐसे वो ऐसे स्पेसेस है जिसको हमने कम्प्लीटली एक्सप्लोर नहीं किया है, कर भी नहीं पाए, मतलब अभी तक नहीं कर पाए। हाँ ठीक, ऑल दिस हैड बीन डन विदाउट द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द कंसीक्वेंसेस ऑफ एक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन द एनवायरमेंट। ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है ये कंसीक्वेंसेस ऑफ एक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट के ऊपर ह्यूमन के एक्ट का कंसीक्वेंसेस क्या है, इसका असेसमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, और एक्सप्लोइटेशन तो हमने खूब ही किया है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, दस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंट बिफोर वी मेक फर्दर डैमेज टू अर्थ विच इज अवर होम। ठीक, अर्थ पे, अर्थ का इतिहास कहता है कि कोई भी स्पीसीज लंबे समय तक नहीं टिकी है, तो ह्यूमंस भी नहीं टिकेंगे, दैट इज फॉर श्योर। कैसे एंड होगा वो नहीं पता, गीता कुछ कहता है, बाइबल कुछ कहता है, कुरान कुछ कहता है, बाकी रिलीजन के भी कुछ ना कुछ कहते ही होंगे। ठीक है, लेकिन ये तो श्योर है कि ये प्रकृति का पहिया है, साइकिल है, चलता रहेगा, स्पीसीज डेवलप करती रहेंगी एंड सर्वाइव वही करेगा जो फिटेस्ट होगा। ठीक है, अब एक कॉमन सा आस्पेक्ट देखिए कि एनवायरमेंट तो डे बाय डे जो है वो वार्म हो रहा है, ग्लोब जो है वो वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, एंड हम क्या सीख करते हैं, कूल। इंस्टेड ऑफ कि स्पीसीज वार्म टेम्परेचर में रहने की हैबिट डालें, एडॉप्ट करें, हम एसी लगा रहे हैं, कूलर भी अब तो खत्म हो गया है। ऑप्टिमल टेम्परेचर की डिमांड तो हो रही है, लेकिन अब वही चीज है, एनवायरमेंट कंप्लीट पूरा ग्लोब का एनवायरमेंट अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के कहीं ज्यादा ऊपर हो गया तो एग्जिस्ट कैसे करोगे। कोरिया ने अभी एक कंप्लीट एक्वाटिक सिटी डेवलप किया है, तो वो फ्यूचर को ध्यान में रखें कि लाइफ जो है आगे, मतलब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होगा, ओशियन सी लेवल जो है वो राइज करेगा, सी लेवल राइज करेगा तो मोस्ट ऑफ दी जो कॉन्टिनेंटल एस्पेक्ट है, कॉन्टिनेंटल पार्ट है, वो सिंक कर जाएगा, वो अपने आप ही डूब जाएगा, देन लाइफ विल बी एग्जिस्टिंग ऑन वाटर। ठीक, तो ये चीज है, तो ये सारी चीजें चलती हैं, बट ये है कि एडाप्टेशन तो करना ही पड़ता है, नहीं तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। सो The study of ecology help in following way. हम इसको बाद में करेंगे, पहले आपका ओपिनियन ले लूं मैं कि आपको क्या लगता है कि इकोलॉजी का जो स्टडी है वो किस तरीके से हेल्प करेगा हमें।
एटलीस्ट जो दो लिखे हैं वही बता दो एक। पहले तो मौका मिलने में यही होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो, क्या दिक्कत है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है और कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट आ गई है, ठीक है। बाय स्टडिंग इकोलॉजी एम्फेसिस इज टू पुट ऑन हाउ स्पीसीज नीड्स द अदर फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कुत्ते और जो बंदरों में है ना वो खत्म हो गया और आपस में लड़ाई हो गई। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजी has led to degradation of land and environment which is home to other species and leading extinction and endangerment of species because of lack of knowledge. कुछ नहीं है, बहुत सारी बातें आपको पूरे environment के मतलब अलग अलग chapter और topics के अंदर repeatedly दिखाई देगा। और उसमें पहला क्या है, हमने जो है वो environment को destroy कर दिया है, environment को हमने pollute भी कर दिया है। अब जरूरत है किस चीज की, इस पॉल्यूशन को कम करने की, रिड्यूस करने की। जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है उनको तो हम कम से कम कंजर्व कर सकते हैं। और क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि इकोलॉजी में एग्जिस्ट करता है फूड चेन, और वो फूड चेन जो है वो पूरे एनवायरमेंट में अलग अलग स्पीशीज के अंदर बैलेंस करने का काम करता है। समझ गए, पूरे उसमें बैलेंस करने का काम करता है जी। नहीं, रिसोर्स एलोकेशन, All plants and animal needs to share limited natural resources like air, mineral space and environment. ये जो space है, इसका कोई practical example दे सकते हो? सर जैसे हम spectrum use करते हैं अपने telecommunication में। Okay। तो वो भी तो एक government से ऐसा resource count करती है। ये जो आए दिन आप देखते हो कि कहीं तेंदुआ आ गया, कहीं पे कुछ आ गया, बंदर आपको आए दिन कॉलोनी में घूमते नजर आते हैं, भाई बंदरों का तो सेटलमेंट नहीं है, जो कंक्रीट की बिल्डिंग है, सोसाइटी है, वो उसमें बंदर तो नहीं रहते। बट बंदर क्यों है फिर, क्योंकि उनके स्पेस को हमने ट्रेसपास किया है। ट्रेसपासिंग होती है ना, मालचा मार्ग पे एक जगह है उसमें लिखा हुआ है ट्रेसपासर्स विल बी गन डाउन, शॉट डेड। मालचा मार्ग पे मालचा महल है उसके अंदर है, राम जाने क्या है, दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस में आता है वो। तो ट्रेसपास किया है मतलब उनके एनवायरमेंट में हम दाखिल हुए हैं। नहीं नहीं, सभी जगह पे, मतलब मालचा वाला दिल्ली में है, ट्रेसपासिंग का कॉन्सेप्ट हर जगह है। तो वो जो जंगल हमने जो उजाड़ दिए हैं उसके वजह से वो जो स्पेस का शेयरिंग है ना वो खत्म हुआ, उनके स्पेस को हमने डिस्टर्ब किया। हमारा तो क्या, हम तो इतने पॉपुलेशन हमारा इतना ग्रो करता गया कि हम तो कह ही नहीं सकते कि हमारा स्पेस इतना है इतना नहीं है, ठीक। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जो स्पेस है उसको हमें शेयर करना चाहिए। तो शेयर करने का मतलब ये है कि कुछ अगर नेचुरल एनवायरमेंट नहीं ड्रॉप करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो वो चाहे वो जानवर हो या फिर वो पक्षी हो कहां जाएंगे। एक टाइम था 10-15 साल पहले तक, ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स हैं जैसे स्पैरो हो गया, ठीक है, और पैरट हो गया, कॉमनली दिख जाते थे। आज के टाइम पे वो नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं दिखते हैं, हैबिटेट छिन गया, हैबिटेट छिन गया है, हैबिटेट छिन गया, फिर उसके बाद फूड चेन भी उनका डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब हम कितना फोकस करेंगे, मतलब किस किस चीज को बचाएं, किस किस चीज को फोकस करके उसको सेव करें, समझ रहे हैं आप। अब एक एक फूड चेन के एक एक ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल 100% श्योर है
कि हमने जो एक्टिविटी किया है अनप्लान्ड ग्रोथ का और डेवलपमेंट का और विदाउट असेसमेंट जो हमने एक्सप्लोइट किया है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, उसके वजह से फूड चेन का हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। और जितना जल्दी हम ये समझ लेंगे उतना ही जल्दी हम इम्प्रूव करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक। लेकिन हमारे अंदर तो वो है ना कि हम तो सबसे ब्रिलियंट माइंड है, तो हम कैसे एक्सेप्ट करें कि हमने ये गलती करी है। प्रॉब्लम तो ये है, जबकि इम्प्रूवमेंट का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि अगर आपसे गलती हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद ही तो आप इम्प्रूव करोगे। तो ये चीज है, ठीक। तो ये है। उसके बाद लैक ऑफ इकोलॉजिकल नॉलेज हैज लेड टू डिप्रिवेशन एंड लूटिंग ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज लीडिंग टू स्कैर्सिटी एज वेल एज एक्सप्लोटेशन एंड कंपटीशन। स्कैर्सिटी तो ऐसी हुई है कि वो कंट्री इंडिया जहां पे पेरेनियल रिवर्स है, पेरेनियल रिवर्स मतलब हाँ मतलब सालों भर सदाबहार नदियां हैं हमारे वहां पे, और हाँ और एक दो नदी नहीं है, पूरा इंडिया जो है वो हाँ मल्टीपल रिवर्स से ड्रेन करता है, ठीक है, और बहुत सारी रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है, स्टिल पीने की पानी की कमी है, पीने की पानी की कमी है, स्केर्सिटी हो जाती है। दिल्ली यमुना, दिल्ली के नियर बाय हिंडन, दो रिवर्स है और ग्राउंड टेबल अंडरग्राउंड हो रखा है, ग्राउंड टेबल अंडरग्राउंड हो गया, ठीक। पीने की पानी की स्केर्सिटी हो जाती है, तो कोविड था इसलिए ज्यादा नहीं पता लगा, नहीं तो हर समर्स में पूरा दिल्ली जो है वो पीने के पानी के लिए तरस जाता है। चेन्नई जो 2018 में हुआ वो सबके पास एग्जांपल है, ठीक है। और क्या चीज हम नहीं जानते हैं वो ये कि बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पे ड्रिंकिंग वाटर की स्केर्सिटी है एंड दे आर फोर्स्ड टू ड्रिंक पॉल्यूटेड और कंटेमिनेटेड वाटर, और कोई ऑप्शन नहीं है। जो रिवर है, जो कनाल्स है वो पॉल्यूटेड है, ठीक है, ग्राउंड वाटर निकाल लो तो या तो इतना ज्यादा अंडरग्राउंड करना पड़ेगा उसको तब जाकर के पीने लायक पानी निकलेगा, उतना कराने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए लोगों के पास, और फिर सोशल स्ट्रक्चर भी हमारा उस चीज को हिंडर करता है। हाँ बहुत सारा फर्टिलाइजर नॉलेज नहीं है हम एनवायरमेंट मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो 67% पीपल वही करते हैं, बट 67 में 60% ऑफ पीपल जो प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, कितने परसेंट को नॉलेज है कि किस तरीके से कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक। अब वेट एंड वॉच वाला टाइम है नहीं एक्चुअली में कि हम वेट करें और वॉच करें कि पहले वो फार्मर स्टार्ट करेगा उसके बाद पहले गवर्नमेंट कुछ कहेगी तो करेंगे या पहले खुद करेंगे फिर गवर्नमेंट करेगी, वेट एंड वॉच वाला तो टाइम ही नहीं है, वी आर रनिंग बिहाइंड द शेड्यूल। अगर हम जितना जल्दी इमीडिएटली एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये जो कंडीशंस आज की जो फेस कर रहे हैं आप लोग ये सीवियर होती जाएंगे, क्रिटिकल स्टेज में चला जाएगा। आप सबको मालूम है जो भी रूरल इलाके से आते हैं, ठीक है, उन सबको मालूम है कि कभी 10-15 साल पहले या 20 साल पहले जो ग्राउंड टेबल था वाटर का उसको आप मतलब एक पर्टिकुलर रेंज तक आप उसको डिग करते हैं, बोर करते हैं तो पीने लायक पानी निकल जाता है। अब जो है उसको और ज्यादा नीचे जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक ये एग्जांपल, ये वार्निंग ही है और कुछ नहीं है। आके वो आपके स्मार्टफोन पर मैसेज नहीं देगा स्पैम के जैसा वार्निंग कि अब दिक्कत हो जाएगी, दीज आर वार्निंग। कभी एनवायरमेंट को लेकर के सचेत रहने का एक कल्चर हुआ करता था। अब आप लोगों में से कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपने इस एज तक 20 प्लस ही हैं आप सभी को, ठीक है, 20 सालों में किसी ने 5 पेड़ भी लगाए हो जो आज के टाइम में 10-15 साल के हो गए हो, एक बस
तीन चार साल हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, तीन चार साल में रियलाइजेशन तो हुआ, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। ना होने से तो कुछ तो होना अच्छा है। आप चार, चार आठ, चार बारह, सोलह लोग हैं, सोलह में से सिर्फ दो लोग जो हैं वो इस बात को एग्री करते हैं, ठीक है, कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, तो बाकी का पॉपुलेशन जो है वो उन दो के प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है आज के टाइम पे। पूरे उसमें यही है, हम ही लोग फिर सरकार में चले जाएंगे, फिर हमारा एटीट्यूड वहां भी यही रहेगा, क्योंकि बेस तो सेम रहता है ना, जो आपका कैरेक्टर है वो तो वही रहेगा। आप काम चाहे प्राइवेट कर लीजिए या चाहे गवर्नमेंट में जाइए या फिर ना करके घर में रहिए, कैरेक्टर तो वही रहेगा, ठीक है। तो बिल्ड योर कैरेक्टर, बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज है एनर्जी कंजर्वेशन। ऑल स्पीसीज रिक्वायर एनर्जी, चाहे लाइट हो, रेडिएशन हो, न्यूट्रिशन हो, हर चीज। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी इज सी द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज लाइक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, एंड ऑल्सो पॉल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। खैर 2050 तक हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, 50-70 तक, कि ओजोन लेयर जो है वापस से रीगेन कर लेगा, ठीक है। बट आपको नहीं लगता बहुत लंबा टाइम है 50-70 तक? तो पता नहीं हम और कितना पॉल्यूशन कर दें, बट कंसिडरिंग ऑल पॉल्यूशन ये एक्सपेक्टेड है कि रीगेन कर लेगा। पॉल्यूशन हो रहा है तो साथ साथ अवेयरनेस भी बढ़ रही है, दोनों चीजें पैरेलल चल रही है, ठीक है। तो ये चीज है, कौन सी प्रोटोकॉल थी मॉन्ट्रियल के लिए, कौन सी ओजोन के डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए जो प्रोटोकॉल की थी? कई सारी प्रोटोकॉल है, हम उन सभी को एक साथ में लिस्ट में देखेंगे, और उसमें तो बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है मेरा कि किस तरीके से एक एक करके कैसे कैसे डेवलप होता है। पहले में नहीं माना, दूसरा लाए, दूसरे पे नहीं माना, तीसरा लाए, मनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और पिछले जैसे 90s में हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े, तो उसके बाद से आपको दिखेगा, उसके पहले भी ऐसा नहीं है, उसके बाद से ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा कि जैसे जैसे ग्लोबली कोई प्रोटोकॉल आ रहा है उसके हिसाब से इंडिया में भी एनवायरमेंट से रिलेटेड कानून, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट तो बहुत एक्टिव है, दैट आई कैन एग्री। इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा ग्लोबली प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से ग्लोबल कम्युनिटी के फेवर में ही सारे काम किए हैं, बेसिकली जो बोलते हैं ना कि ह्यूमैनिटी के फेवर में, वो एक्ट तो उसी तरीके से पास होता है हमारे, हम तो काम करते हैं, लेकिन एक कंट्री है जो बिल्कुल इसको रेटिफाई नहीं करता है, यूएसए, ठीक है, प्रूफ है, रेटिफाई ही नहीं करता है, बाकी तो बात ही अलग है, तो उसको कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। वैसे भी इको फ्रेंडलीनेस, पहले यूएसए तब चाइना, नहीं अब चाइना उतना नहीं है, चाइना ने फिर भी बोला है 2030 के बाद में उसका जो कार्बन एमिशन है वो पीक पे चला जाएगा, उसके बाद वो अपना रिड्यूस करना शुरू कर देगा। उसी के दम पे उसने फिर इंडिया को भी बोला कि आपका भी होना चाहिए, हमने बोला वी आर पुअर कंट्री, वी विल डू इट बट ग्रेजुअली, अभी हमें पहले पॉवर्टी खत्म कर लेने दो, ठीक है, डेवलप हो जाने दो, देन वी विल डू इट, ओके। सो इको फ्रेंडलीनेस, इकोलॉजी हेल्प टू अप्रिशिएट हार्मोनियस लिविंग अमंग द स्पीसीज एंड दिस विल एंश्योर नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज फॉलोड, कि नेचुरल जो ऑर्डर है थिंग्स का वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें जब हम बोलते हैं ना, प्लास्टिक को त्याग दीजिए, आप ये चीज अवॉइड कर दीजिए, वो अवॉइड कर दीजिए, तो हम बोलते हैं कि हमें आदत हो गई है, कैसे अवॉइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन के पहले और कोविड के पहले बहुत सारा ऐसा कल्चर था मतलब झुंड में आने का, ठीक है, गैदरिंग का, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अब चूंकि 2 सालों में वो चीजें चेंज हुई हैं, तो अब बहुत सारे लोगों ने ये रियलाइज भी किया है कि बहुत सारे अननेसेसरी चीजों में हम लोग इन्वॉल्व थे, और उसके बिना भी लाइफ चल सकती है कि नहीं है। लॉकडाउन के पहले कितना आप लोग ऑर्डर करते होंगे फूड वगैरह, जो सिटीज में है, गांव के तो नहीं, जो सिटीज में है, गांव वाले भी बाहर से बहुत ज्यादा खा मतलब लेकर के आते हो, वो अमाउंट रिड्यूस हो गया ना, आप एडजस्ट कर गए ना टाइम के हिसाब से। तो पहला काम है कि आप इनिशिएट करिए,
प्लास्टिक को आप ऑप्ट आउट तो करो एक बार, धीरे धीरे करोगे तो उसका अल्टरनेटिव मिलेगा ना, आप रिलक्टेंट ही नहीं है, समझ गए? आपको शर्म आएगी कपड़े का थैला लेके बाहर जाने में, तो ये आपकी गलती है, प्लास्टिक की गलती थोड़ी है। हाँ नहीं, मतलब एक तो ये है कि प्लास्टिक ऐसा मटेरियल बन गया है हमारी लाइफस्टाइल में और बहुत सारी चीजों को लेकर के कि हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम उसको रिड्यूस तो कर सकते हैं और रिड्यूस करने की तरफ ईमानदारी से बढ़ेंगे तो आई बिलीव कि एक टाइम वो जरूर आ जाएगा जब इसको हम एलिमिनेट भी कर दें। बस हमें फर्क ये है अल्टरनेटिव ढूंढने हैं, अल्टरनेटिव ढूंढ करके उसको यूज करने, उसका हैबिट बनाना है कि हैबिट में आए वो, ठीक है। छोटी छोटी चीजें कर सकते हो आप, ठीक। अब सोचो पेन का, पेन वाला जो प्लास्टिक है वो यूज कर, वो उसको एलिमिनेट कर दे, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। कैरी बैग को तो सबसे पहले कर सकते हो, जैसे ₹2 वाले कने सिंगल यूज प्लास्टिक से, हाँ अगर हम रिफिल वाली यूज करें तो रिलेटिवली कम प्लास्टिक यूज होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। अब इसके लिए कोई आकर के आपको, तो मोदी जी साक्षात आकर के तो नहीं बोलेंगे कि बेटा ऐसा करो एनवायरमेंट को थोड़ा हेल्प मिलेगी, ऐसा तो नहीं कर सकते, ठीक। इतने आप सभी लोग इतने पढ़े हैं कि इसको डिस्पोज करने का सही तरीका आप ढूंढ सकते हैं, कहीं भी है बहुत, आप में से जितने भी क्लास में बैठे हैं सब, हर 7 दिन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होता होगा कि आप फेंक देते होंगे चीजें, ये लो कोई नहीं हो जाएगा। जितनी चीजें आप बाहर फेंकते हैं वो सब एनवायरमेंट को नुकसान ही पहुंचाती है। आप जो कचरे में फेंकते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं होता है, तो फिर तो इसकी बात ही अलग है जो आप यूं ही रेंडमली फेंक देते हैं। आप जो घर में कचरा रखते हैं उसको फिर कचरे वाला लेके जाता है, जो नगर निगम वाला है वाले हैं वो लेके जाते हैं, गाड़ी आती ले जाती है, तो उसमें भी तो कुछ लॉस होता है, वो सारा का सारा प्रॉपर डिस्पोज तो होता नहीं है, तो फिर जो रेंडम किया है वो तो वैसे ही वो हो जाएगा। और जो को एग्जिस्टेंस की बात हो रही है ना अदर लिविंग्स की, बहुत सारे जानवर ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, आपने कोई चीज फेंक दिया, भूख लगी है उनको, छोटी छोटी चीजें हैं वो, ठीक, और फिर वो उसको खा लेते हैं। अब आपको लगता है एक ही जगह तो खाया है, अब सोचो कि गाजियाबाद में एक स्ट्रीट में अगर एक खा रहा है तो कितने स्ट्रीट है, हर जगह ही ये होता है। गाय को आजकल रोटी देने का वो है, लेकिन मुझे तो ये ढोंग लगता है, ठीक है, एक रोटी से उस गाय के पेट में क्या जाएगा? पर सर सब लोग एक एक रोटी खिलाएंगे, सब लोग खिलाते हैं, देखा है लॉजिक तो वही है ना, लॉजिक तो मैंने ये देखा है कि मैं कई जगह पे, जैसे हर जगह तो मैंने रिसर्च नहीं की है, लेकिन एटलीस्ट जहां जहां मैं रहता हूं, मतलब अलग अलग जगह पे रिलेटिव या फ्रेंड्स रहते हैं, मैं तो गली में एक आधी घर देखता हूँ जो एक रोटी खिलाते हैं, सब तो नहीं खिलाते हैं। हमारे घर में तो मतलब ऐसा होता है कि जब फ्रेश आटा गूंथा जाता है तो उसमें 2 रोटी गाय की निकलती है। हाँ हाँ बिल्कुल, पहली रोटी वो तो मेरे घर में भी होता है, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि 2 रोटी से क्या होगा, मतलब गौशाला एक फैमिली से 2 निकल जाएंगे ना। बट फिर भी मैंने उनको हेल्दी नहीं देखा आज तक। सर जरूरी तो है, सब गाय को ही फीड करा है। तो और किसको फीड करा है? एनिमल्स भी तो है ना फीड कराने के लिए। अगर सब हर कोई गाय को ही फीड कराने लगे तो फिर स्ट्रीट डॉग्स का क्या होगा? स्ट्रीट डॉग्स का क्या होगा? और बर्ड्स हैं उनका क्या होगा? हैं बर्ड्स को कौन करता है? बर्ड्स तो ऊपर रखते हैं लोग, दाने डालते हैं, वो भी तो फीड हम लोग, तो मतलब और भी एनिमल्स भी कराने में फीड कराने से गाय को ही फीड कराने। गुड, ये तो अच्छा है कि आप सभी लोग ये काम करते हैं। फीडिंग एनिमल्स भी आजकल बहुत, लाइक उसमें रिसेंटली महाराष्ट्र की एक साइट में तो उसको फाइन लगा दिया। 9 लाख का फाइन, एवरीडे 5,000 होते हैं।
एंड देन वी कॉल वी आर द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड एनिमल लवर्स और फिर बोलते हैं कि हम जो है वो हमारे जैसा इंटेलिजेंट माइंड है ही नहीं किसी का. ठीक है, बट इट्स अ स्ट्रगल, चलता रहेगा. कम्युनिटी में होता है, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से फाइट करते हैं रिसोर्सेज को लेकर के, चीज़ों को लेकर के. यही है वो, और कुछ नहीं है. मॉडर्न वे में है, कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ है. बट द थिंग इज कि ऑन एन एवरेज आप जितने भी स्ट्रेट डॉग हो या फिर गाय हो, आप उन वो देखेंगे वो कभी भी हेल्दी नहीं दिखेंगे. आप चाहे कितना ही फीड कर रहे हो उनको, कैसा भी कर रहे हो, बट ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम जितना भी फीड करते हैं हमें लगता है कि दूसरे भी खिला रहे हैं, हम भी खिला रहे हैं, और वो उनको पूरा पड़ रहा है. वो नहीं है, हमारी फीडिंग से नहीं उनको पूरा पड़ेगा, बट उनकी जो उनका एनवायरनमेंट है, उनके स्टमक्स में इनसे वॉर्म्स हैं, वो खाना दिखती भी क्या बोलते हैं उसे, मतलब बैलेंस डाइट भी, बैलेंस डाइट भी देंगे देंगे, पर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. अगर बाहर की बॉडी में क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, पैरासाइट्स, वॉर्म पैरासाइट्स ये सब रहते हैं, उनकी मेडिसिन हम नहीं देते उन्हें. हां, तो इवेंचुअली उनका खाने कंज्यूम करता हूं. ओके, ये बॉडी में नहीं लग पाता हूं. राइट, देन फिर इसका क्या कोएग्जिस्टेंस का इस एनवायरनमेंट में अदर ऑर्गेनिज्म में के साथ कोएग्जिस्टेंस का क्या है? एक छत्तीसगढ़ में एक एलिफेंट की कम्युनिटी है जिसका पॉपुलेशन 2% है. ठीक, और वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है. पता है आपको, जब कम्युनिटी में वो मूव करती है, ग्रुप में चलते हैं वो. एलिफेंट्स आर लाइक मंकीज, वो भी ग्रुप में चलते हैं, काफी उनके कम्युनिटी में आपस में बहुत हेल्पफुल होते हैं वो. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. अब जैसे हम बात करते हैं जब, ठीक है, कि हम इसको फीड करें, कोएग्जिस्टेंस की बात करें, तो ये जिस जो भी इश्यूज आपने जैसे बताया कि उनको मेडिसिन नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी. ठीक है, वी हैव टू अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक, तभी जाकर के जो है ये एनवायरमेंट वाला और इकोलॉजी वाला जो आस्पेक्ट है वो कहीं उस लेवल पे जाके हम अचीव कर पाएंगे. और अभी तो सोचेंगे, अगर हम आज आपके दिमाग में आएगा तो कई सालों बाद तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने की सोचोगे. कभी कभी हो सकता है लाइफ निकल जाए, वो भी ना हो. तो सबसे पहला स्टेज तो सबसे पहले करना होगा, पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा कुछ करना है. हाँ, ठीक है, तो ये है फिर. तो ये चीज है, देन वी कम टू कि इकोलॉजी क्या होता है और है क्या एक्चुअली में. सो इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी. मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ वर्ड्स को. ठीक है, जैसे साइंटिफिक स्टडी किस चीज का? रिलेशनशिप का. किसका रिलेशनशिप? लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट. ठीक, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका आपस में, और उनका इंडिविजुअली एनवायरमेंट से, और एज अ होल एनवायरमेंट से जो रिलेशनशिप है उसको हम किस चीज के अंडर में समझते हैं? इकोलॉजी में. ठीक, कोई डाउट? द टर्म वॉज फर्स्ट क्वाइंड इन 1869 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकर. ठीक है, एंड द एम्फेसिस इज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया? कुछ लिविंग कंपोनेंट्स होंगे और कुछ नॉन लिविंग. तो लिविंग तो मतलब अदर ऑर्गेनिज्म हो गया, और नॉन लिविंग एबायोटिक, जो बाकी जो रिसोर्सेज जो चीजें हम यूज करते हैं, जो यूटिलाइजेशन में हम लेकर के आते हैं, उनकी बात कर रहे हैं. ठीक, सो इट डील्स विद द वे इन विच, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉडल्ड बाय देयर एनवायरमेंट, बेसिकली अडॉप्टेड बाय, किस तरीके से वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन करता है, एंड हाउ दे मेक यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइक्लिंग. तो मिनरल को साइकिल करते हुए, एनर्जी फ्लो को मेंटेन करते हुए किस तरीके से आपस में रिलेट करता है. जेनेसिस इकोलॉजी इज एन ओल्ड एज द ह्यूमन सिविलाइजेशन. इट इन प्राइमेटिव सोसाइटीज एवरी इंडिविजुअल वॉज रिक्वायर्ड टू हैव एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट
फॉर देयर सर्वाइवल. इसका एग्जाम्पल, इनिशियली जब ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रो करने के अपने मतलब फर्स्ट स्टेज पे था, धीरे धीरे हम ग्रो करने वाले थे, तो हर ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल को एक नॉलेज होना रिक्वायर्ड था सर्वाइवल के लिए. ठीक, लाइक बंदर जो है वो बच्चे, मतलब बच्चों को एक एक करके ट्रीट करते हैं, देखते हैं कि कुछ गलत चीज ना खा ले. बच्चे को क्या पता, वो तो जो भी मिलेगा उसको खा लेगा. और ह्यूमंस के बच्चों के साथ भी तो यही होता है, मिट्टी खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, तो क्या करते हैं वो, हम रोकते हैं. वही नॉलेज है, वो नॉलेज देते हैं कि ये चीज नहीं खानी है, ये चीज नहीं खानी है. फिर बाद में बड़े होके फिर दूध भी नहीं खाते हैं, हरी सब्जी भी नहीं. ठीक है, वो फिर चाहे कितना ही फीड कर दो उनको, अब करेला बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, वो नहीं खाएंगे. ठीक है, हाँ ठीक है, बर्गर हॉट डॉग स्वाद आता है ना, कोई बात नहीं. तो सर्वाइवल के लिए, कहने का मतलब इनिशियली हम लोग जो भी मेडिसिन थे, जो भी फूड था, वो सब प्रोक्योर करते थे एनवायरमेंट से. तो इस बात का नॉलेज होना जरूरी है कि क्या चीज खा सकते हैं, क्या चीज नहीं खा सकते, कि उसी के बेस पे हम जिंदा रहेंगे. कुछ उल्टा सीधा चीज खा लिया, गए. तो आज भी, आज के टाइम में भी इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिनको कंबाइन करके आप नहीं खा सकते. एग्जाम्पल में, हाँ, मिल्क एंड फिश अवॉइड किया जाता है कि साथ में इसको ना कंज्यूम किया जाए. ठीक है, तो इसका ये नॉलेज होना वो बहुत जरूरी है. तो ये कब से, ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्टिंग से लेके आज तक ये चीज रेलेवेंट है. इसीलिए इकोलॉजी आज भी रेलेवेंट है. हंस क्यों रहे हो, क्या हो गया? किसी ने बताया था, इसलिए नहीं खाते क्योंकि मछली पानी दूध में जाके छप छप करेगी पेट में. वाओ, वेरी गुड. मतलब पानी भी कर सकते हैं, पानी भी. तो रामदेव जी मना करते हैं ना, खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए. ये तो पालक पनीर ना, पनीर पालक पे बैठ के तैरता है फिर. ठीक है, ये है द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड हिम. ठीक है, इसको समझने के, इसको भी समझना बहुत जरूरी है. इकोलॉजी में कौन कौन से ऐसे फोर्सेज हैं जो इसको बाइंड करके रखते हैं. ठीक है, इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट जैसे कि रेफरेंस देता है बहुत सारी चीजों का. जैसे अरण्यकास है, उपनिषद है. अरण्यका तो, अरण्य तो खुद ही मतलब होता है उसका जंगल. ठीक है, और ये बहुत सारे इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को देते हैं. मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा. इंडियन ट्रीटाइज ऑन मेडिसिन चरक संहिता एंड सर्जिकल टेस्ट सुश्रुत संहिता शोज दैट पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इकोलॉजी. महाभारत में भी इकोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, सॉरी रामायण में. जड़ी बूटी लेके जाते हैं, वो पता है ये चीज जो है ट्रीटमेंट में यूज होता है. ठीक है, दूसरी चीज, एंशियंट टेक्स्ट में हमारी ये बात कही गई है, पणिनी ने अपने टाइम में ये बात कही थी कि जो एनवायरमेंट है उसमें जो रस होता है ना, एनवायरमेंट का जो प्योर रस है वो खत्म हो गया है. प्लांट्स में अब वो क्वालिटी नहीं रही. एयर जो है वो पोल्यूटेड हो गया है. सोयल में वो, हाँ मतलब मिट्टी में वो खुशबू, वो चीज नहीं रही. अगर पणिनी उस टाइम पे लिख सकता है तो फिर आज तो हम कचरे में ही रह रहे हैं. तो ये चीज है. ठीक है, तुलसी को वर्शिप करना, उसकी, उसको इम्पोर्टेंस देना क्यों क्यों जरूरी है. पीपल का, पीपल को, ये सब कंजर्वेशन का ही तो एस्पेक्ट है. ये कंजर्वेशन का एस्पेक्ट है, रिलीजन में इसलिए रखा गया क्योंकि उस टाइम पे वही एक फाउंडेशन का फोर्स था. रिलीजन, रिलीजन का पर्पज वैसे किसी भी सोसाइटी में, किसी भी टाइम में एक ही है, लोगों को बाइंड करना. ठीक है, लोगों को जोड़ करके रखना. ये तो डिवाइड कैसे हो रहे हैं ये तो समझने वाली बात है, लेकिन रिलीजन का तो एक ही काम है कि लोगों को बांध के रखें. ठीक है, हमारी समझ नहीं है इसलिए हम डिवाइड हो रहे हैं रिलीजन को लेकर के. बाकी एक ही पर्पज है उसका और उसी के ऊपर चलता भी आ रहा है. ठीक है, तो ये हमारी समझ थी जिसने हमें प्रिजर्व करने के लिए
प्रेरित किया कि आप कंजर्व करिए, ठीक है, उसमें जबरदस्ती आप उसको फिर उसमें मीठा लगाओगे और ये लगाओगे वो लगाओगे, वो तो नुकसान वाली बात है, ठीक है। उस पर फिर चींटियां आती है और फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, चलता ही है, ठीक है। बट द फैक्ट इज कि जो द वेरी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ, कंजर्वेशन के एस्पेक्ट से। तो कंजर्वेशन कोई हमें सिखा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉलो कर लो और ये कर लो वो कर लो, तो उसको बोलो आप जब पैदा नहीं हुए थे तब से हमारे पूर्वज कंजर्वेशन के एस्पेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, आज के नहीं है। बोलते हैं ना कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो यही बात है, हम इतना रम चुके हैं ना इस जगह पे धरती में कि हमारी हस्ती कोई मिटा नहीं सकता, ठीक है। यहाँ आके दो लोग आपस में लड़के चले जाते हैं, हम कर लो, फ्रेंच आए इंग्लिश आए यही आके लड़ रहे थे, वहां का झगड़ा यहाँ लड़ रहे हैं, कर लो जो करना है कर लो। आज क्या हुआ, अल्टीमेट रिजल्ट बाहर, दोनों अपने अपने जगह गए, हम तो वही हैं, ठीक है। तो वो चीज है, तो नॉलेज तो बहुत पहले से है हमें, बस ये है कि थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब जैसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको सनलाइट की बहुत कम जरूरत पड़ती है, ठीक है, और वो चाहे तो आप अपने कमरे में, आप अपने घर में, भले एक ही कमरे का घर हो उसमें भी आप रख सकते हो, सिर्फ एक विलिंग पावर चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। वाटर प्यूरिफायर रखना, एयर प्यूरिफायर रखने से काम नहीं चलेगा, वो क्या करेगा, आपका पैसा और खर्च करेगा, वो है कि नहीं है, बिजली लगेगी उसमें एक्स्ट्रा, पूरे कम्युनिटी में, पूरे कम्युनिटी में बिजली आपको पे करोगे पैसे, ऑब्वियस ही बात है, एक गिलास पानी है और दो मिनट का ध्यान देना पूरा सारा निपट जाएगा। एक गमले में एक गिलास पानी डालो डेली, थोड़ी देर उसको, जितनी देर आप नहा धो करके एकेडमी के लिए निकल रहे हो इतनी देर उसको धूप में रख दो, हो गया खत्म। मैनेज आपके आपको करना है, मैनेज हर इंडिविजुअल को करना है। द थिंग इज कि देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, हर कंडीशन में आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप चूज करते हैं नहीं करते हैं ये आपके ऊपर होता है, एंड देयर इज ऑलवेज एक्सक्यूजेस। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते, करने के लिए भी और नहीं करने के लिए भी, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज करते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ ये वाला जो है टॉपिक खत्म हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा।